नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना। आशीष मेरे साथ है अभी गुंजन। जो फिल्म मैं मेरी पत्नी वो 404 ये फिल्म और साथ ही मास्टर शेफ, इंडियाज गॉट टैलेंट और सारेगामा लिटिल चैंप्स जैसे जो रियलिटी शोज हैं इनके राइटर रह चुके हैं, लेकिन अभी इनकी नई पहचान हो रही है। इनफैक्ट नई तो नहीं बोल सकती, लेकिन चलिए काया पलट भी बोल सकती हूँ कि अब ये एक्टर की तरह दिखाई दे रहे हैं, आरके के रूप में नजर आए हैं फाडू में। हाउ यू गुंजन, हाउ इज लाइफ? मैं अच्छा हूँ रूना, बहुत अच्छी लाइफ है और मजा आ रहा है। आप बताएं, आप कैसी हैं? ऑल वेल, ऑल वेल। फाडू की बात करते हैं, लेटेस्ट आपको मैं उसमें देख रही हूँ, बताइए कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहते हैं लोग इस रोल को लेकर? यार बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। जो भी देख रहा है, जो भी देख रहा है, वो होता है कई बार आपका कोई किसी शो को लेके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, लेकिन ईश्वर की दया ऐसी है कि मेरे रोल को लेकर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है कि बहुत बढ़िया है। सो दैट्स गुड, अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। पहला स्क्रीन पर प्रेजेंस है मेरा और वो लोग पसंद कर रहे हैं, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। लवली लवली। लेकिन ये बड़े स्क्रीन पर आपकी प्रेजेंस पहली बार होगी, थिएटर में तो आप ऑलरेडी दिखाई दे चुके हैं, तो इतने साल थिएटर और एक्टिंग से दूरी बनाने के पीछे कोई खास कारण रहा आपका? नहीं, कोई खास कारण नहीं है। जहाँ समय ले जाता है, जहाँ वक्त ले जाता है, मैं वहां चला जाता हूँ। थिएटर किया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए, उसके बाद यहाँ आए, तो बेसिक जो आइडिया था खुद के बारे में वो ये था कि डायरेक्शन, वो आइडिया था। फिर हुआ ये कि पहले शुरुआत में मुझे मैं मेरी पत्नी और वो मिली लिखने को, 404 मिला लिखने को। सो मैंने कहा चलिए ये भी एक रास्ता हो सकता है डायरेक्शन में जाने का। एंड लेटर मुझे टीवी में ऑफर मिलते गए लिखने के, नॉन फिक्शन में बहुत सारे, वो सब किया। एंड ऑफ कोर्स अगर आदमी अगर छोटे शहर से आया है तो उसके अंदर हमेशा अगर कोई भी कला की शुरुआत होती है वो एक्टिंग से ही होती है, कि सबसे पहले वो बंदा एक्टिंग ही करता है, फिर चाहे वो छोटा सा रोल हो या बड़ा सा रोल हो, स्टार्ट विथ एक्टिंग। थिएटर में सबसे पहले एक्टिंग ही होती है। तो एक्टिंग की थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक्टिंग का पास आउट था। और उसके बाद जब अभी पैंडेमिक के बाद मुझे ऑफर मिला, इसके पहले भी छोटे मोटे ऑफर मिले थे मुझे, लेकिन वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। मैंने कहा यार मतलब अगर एक्टिंग की मैंने ट्रेनिंग की है तो रोल ऐसा होना चाहिए जो मुझे खींचे, जिसकी वजह से मैं मतलब राइटिंग का काम को थोड़ा सा आराम दूं और एक्टिंग में जाऊं। एंड फाइनली मुझे फाड़ू का रोल मिला और जैसे ही मिला मैंने कहा बस यही मौका है, मार दो चौका। अरे लवली। सो क्या डिटेल्स दिए गए थे रोल को, किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया? वाज इट, होता है ना एक सर्कल होता है, आप आई मीन बहुत नेचुरल सी बात है कि चलो चलो ये वाला रोल ऐसा करते हैं, हम गुंजन को ट्राई करते हैं, चलो चलो ये रोल है, हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये रोल उस तरीके से आपके सामने आया या आपको भी ऐसा ऑडिशन वगैरह देना पड़ता है? जी। रूना अच्छी बात यह है कि आजकल है ना हमारे फिल्म और वेब के सिस्टम में, फिक्शन के सिस्टम में एक बहुत अच्छी चीज है, वो है कास्टिंग डायरेक्टर। और वो कास्टिंग डायरेक्टर खुद बहुत एक्टिव होते हैं, खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को पता था कि मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, तो उनमें से एक है मुकेश छाबड़ा। तो उनकी तरफ से मुझे पहले भी एक दो ऑडिशन के लिए बोला गया था, कुछ एक में मैंने मना कर दिया, एक दो मैंने किए भी। बट इसमें जब मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और मजे की बात ये कि पहले मुझे एक दूसरा रोल के लिए ऑडिशन करवाया गया था। एंड देन उसकी, हाँ वो भी अच्छा, काफी अच्छा रोल था, क्योंकि इस शो की अच्छी बात यह है कि इसमें सारे रोल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं एक्टिंग के मामले में। और वो मुझे मिला, उसके बाद देखकर शायद उन्हें और अश्विनी जी को लगा हो कि यार इसको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। देन फिर मुझे स्ट्रॉन्ग और तो बेसिकली मेरा तीसरा ऑडिशन था, तीसरे कैरेक्टर का ऑडिशन था, विच इज 1 2 3 एंड फाइनली जैसे इसकी चलो हीरो तो बना नहीं सकते यही रोल देते हैं, इसको ये रोल दे देते हैं। अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो। आई थिंक ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से इतने सुंदर कलाकार लोगों के सामने आए हैं जिनके बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता था। तो आई थिंक ये नई कंप्लीट जनरेशन खड़ी हो गई है एंड थैंक्स टू ओटीटी ये हुआ है। टेलीविजन में आपने लिखने का काम किया, कभी एक्टिंग तब नहीं सोचा ऐसा कि मैं भी किसी ऐसा देवर या ऐसा विलन कुछ बन जाता हूँ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मतलब मुझे एक दो जगह से डायरेक्ट ऑफर मिले थे, जो आप कह रही है ना कि क्या डायरेक्ट रोल मिल गया कि चलो गुंजन जोशी को बोल देते हैं, डायरेक्ट ऑफर मिले थे। मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिस्टम खराब है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। तो मतलब अभी तक तो ऐसा लगता है, लेकिन वही है ना कि हवाएं कहाँ ले जाए, यू नेवर नो। यू नेवर नो। लेकिन हाँ, मैंने तो अभी तक नहीं किया, आगे हो सकता है अट्रैक्ट करें, हो सकता है कि चूंकि वेब सीरीज जो है उसने बहुत दूसरे मीडियम्स का सिस्टम बदला है, दूसरे मीडियम्स और सीरियस हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं और निखर रहे हैं। आप फिल्में देखें तो अलग अलग सब्जेक्ट की फिल्में आ रही हैं, अलग अलग भाषाओं की फिल्में आ रही हैं जो चल रही हैं। तो बहुत बड़ा जो है ना कैनवास, बहुत बड़ा हो गया है, और उस कैनवास में कब कौन कहाँ फिट हो जाए आपको नहीं पता, आप खुद कहाँ फिट हो जाए आपको नहीं पता। तो देखते हैं, बट फिलहाल अभी तक नहीं, कभी टीवी के बारे में नहीं सोचा मैंने। अच्छा एक बात बताओ, आप एक रियलिटी शो लिख चुके हो, जो कि एक नहीं काफी, मतलब फिर चूंकि आप उस सर्कल से आते हैं, आप उस घराने से आते हैं। एक हाल ही में एक न्यूज चल रही है जिसमें कि एक एक्ट्रेस शी कमिटेड सुसाइड एंड उस एक्टर को रिमांड पर ले लिया गया है। ऐसी सिचुएशन में सीरियल पर क्या असर पड़ सकता है? हम उस क्राइम एंगल में नहीं जाना चाहते हैं, बट ऐसे में सीरियल पर क्या फर्क पड़ता होगा? रूना, एक्चुअली मैं है ना नॉन फिक्शन का आदमी, और सबसे पहली बात राइटिंग जो मैंने की नॉन फिक्शन में की, फिक्शन में कुछ एक शुरू में लिखे थे, लेकिन अब नहीं लिखता, अब नहीं लिखा है मैंने। नॉन फिक्शन में ज्यादा लिखे हैं, बट जितना मैं इस मीडियम को समझता हूँ, देखिए वो जो भी एक दुखद घटना हुई है उन्हें लेकर, वो तो है ही, और उसकी वजह से जो उसके रिजल्ट हुए हैं वो भी काफी बुरे हैं। बट ये है ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस और चैनल टू चैनल, कि वो इस सिचुएशन को कैसे लेते हैं और क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन हम आर्टिस्ट के लिए ये बात आप भी मानती हैं, आप भी एक आर्टिस्ट ही हैं, कि शो मस्ट गो ऑन। तो वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही रहना चाहिए। ये हमारे धंधे की अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि शो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन यह है कि शो रुकना नहीं चाहिए, उसके जो भी फैंस हैं उन सबको देखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम बात थोड़ी सी बदलते हैं, क्योंकि वो बहुत सीरियस सा मैटर है। और चलिए ये वाला जब शो या जब आप आरके की बात करते हैं, आपके आसपास के फ्रेंड्स, आपके फैमिली क्या रिएक्शन देती है? आपके घर वाले जो आपके टाउन में होंगे वो क्या कहते हैं? आर दे हैप्पी विद यू? या बहुत सारे लोग हैं, मतलब सब खुश हैं, सब काफी खुश हैं। जो और लेकिन पहले हम नुकसान की बात करते हैं, ठीक है। मेरे जूनियर्स, मेरे छोटे वो जो हैं, और बड़े वाले भी, लेकिन बड़ों का बुरा नहीं लगता, लेकिन जो जूनियर हैं, छोटे हैं, जो इस समाज में हम उनसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं करते हैं, बहनें हैं, मौसियां हैं, चाचियां हैं, उनका पहला रिएक्शन ये होता है, सबका पहला रिएक्शन होता है कि फाड़ू किया तूने। लाइक हेलो आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे साथ लेकिन अच्छा लगता है। और परिवार वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा है और बहुत ज्यादा उम्मीद रही है। क्योंकि क्या होता है रूना, जब आप एक छोटे शहर से निकलते हो तो आप अकेले नहीं निकलते हो, आपके साथ है ना एक पूरा एक ग्रुप होता है जिसकी इच्छाएं आपके साथ निकलती है, उन सब की शुभकामनाएं आपके साथ निकलती है। यार ये बंदा जा रहा है दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो कुछ ना कुछ उम्मीदें, कुछ ना कुछ इच्छाएं उनकी आपके साथ जुड़ी रहती है। वो सिर्फ आपके साथ ही जुड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाएगा तो हमारे साथ ये कर लेगा, बट यार ये जा रहा है दिल्ली तो ये ऐसा करेगा। और जैसा कि मैंने कहा ना कि छोटे शहरों में सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि यार ये बंदा एक दिन पर्दे पर दिखेगा। तो मुझे जो अपनों से जो सबसे ज्यादा रिएक्शन मिले वो ये मिले कि भाई फाइनली तू हमें दिखा, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसलिए मैं इस बात को सेलिब्रेट भी करता हूं। इसलिए अगर कोई कहता है कि यार चलो एक स्क्रीन पर दिख जाते हैं, एक इंटरव्यू हो जाए, तो मैं ऑफकोर्स मेरे लिए होता है, मैं खुद की बात रखना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें बहुत खुशी मिलती है यार, उनकी खुशी देखकर मुझे इतनी खुशी मिलती है। मुझे आज तक कभी ये गिल्ट नहीं रहा कि मेरा सफर जो रहा उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनका चेहरा देख के मुझे लगता है यार कि एक्टिंग कर लेनी थी। ये जो खुशियां जो मैं देख रहा हूँ ना उनके चेहरे पर, वो बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ जितनी उम्मीदें गई ना, उनका सफर अब शुरू हुआ है। मेरा तो चल रहा है, बट उनका सफर अब शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस बंदे को दिल्ली की ट्रेन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भेजा था और उसके साथ जो उम्मीदें भेजी थी, वो उम्मीदें पूरी होना अब शुरू हुई है सोनीली पर। ओह बाप रे, बहुत बड़ी बात कह रहे हो यार। अच्छा, और इसके अलावा फिर आपका राइटिंग का काम अभी भी चल रहा है, या अभी चूंकि आप एक्टिंग परस्यू करना चाह रहे हैं साथ के साथ, तो हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि राइटिंग नीड्स कंप्लीट डिवोशन और एक्टिंग विल पॉसिबली नीड द कंप्लीट यू, सो बैलेंस कैसे करोगे? रूना जी, क्या है कि अगर हम अलग अलग थाली में दो सामान रखेंगे ना, तो वो अलग अलग डिश हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही थाली में रखोगे, ठीक है, अगर आपने उसको रोटी और सब्जी बना दिया तो आप एक साथ खा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को है ना कलाकार मानता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से यही कहा कि मैं कलाकार हूँ यार। तो मैं एक्टर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, और मैं पेंटर तो हूँ ही, मैं हो सकता है डायरेक्शन में भी उस सालों बाद दिख जाऊं आपको। लेकिन वो क्या है कि अपने आप को एक कलाकार की थाली में रखा है मैंने, जितनी भी चीजें हैं, तो मेरे लिए सब अलग अलग नहीं, मेरे लिए एक थाली है ये, ठीक है, एक्टिंग और राइटिंग डायरेक्शन ये है। हाँ, अलबत्ता एक जो चीज थी जो थोड़ी सी छूट गई इस पूरी आपाधापी में, दैट्स फिक्शन राइटिंग और मेनली फिल्म राइटिंग। तो अब मैं उस पर भी इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि दो चीजें मैं कह रहा हूँ, मैं तीन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। फिल्म राइटिंग, टीवी में जो मिला वो सब, और एक्टिंग। और ये टफ नहीं है रूना जी, बिल्कुल टफ नहीं है, आसान काम है, हो जाएगा। थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा। और बाकी देखते हैं हवाएं कहाँ ले जाए, मतलब ये हो सकता नहीं कि हाँ कि किसी एक माध्यम में आपको इतना काम मिले कि फिर आपको कुछ करने का काम ना मिले। और मुझे लगता है कि फिल्म राइटिंग ऐसी चीज है जो वंस इन ए ईयर, तो आप चाहे कितने भी बिजी हो एक्टिंग में, अगर मैं रोज एक्टिंग करता हूँ, रोज मुझे एक्टिंग का काम मिलता है, तो भी मुझे लगता है कि इतना तो है, बिल्कुल क्रॉस फिंगर्स, तो भी इतना तो है कि मैं साल में कम से कम एक फिल्म लिख दूं। मैं दो का बोल रहा था लेकिन मैंने काट के एक कर दिया, पैरेलल में एक फिल्म अच्छी तो लिख ही सकता हूँ। तो ये दोनों काम साथ ही रहेंगे। और है ना रूना, क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है। अगर आप लिखते हैं तो आपका राइटर अच्छा होता है, अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपका एक्टर अच्छा होता है। हाँ, तो मुझे लगता है ये शायद जरूरी भी है। agree. ये जरूरी भी है सारी दूसरी एक्सरसाइजेस करना। बढ़िया। So what's next? और क्या-क्या कर रहे हो अभी आप? इसके अलावा एक फिल्म आ रही है मेरी, बवाल, नितेश तिवारी जी के डायरेक्शन में, अप्रैल में आएगी। बहुत अच्छी फिल्म है, आपको मजा आएगा। जो किस तरीके की है? It's like देखिए, मैं बहुत नहीं, मैं बहुत ज्यादा तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो उनका एक फॉर्मेट है ना कि नितेश तिवारी जी का दंगल और छिछोरे में जो उनका एक फॉर्मेट है कि एक फिल्म ऐसी जो आपको दिल से अच्छी लगे और आपके दिमाग को भी सुकून, तो वो आपके लिए कंप्लीट एंटरटेनमेंट होती है। आपकी सोच आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है और फिल्म आपके लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट होती है, वो है। सो बवाल आने वाली है, देखिएगा। बाकी डिटेल्स तो आपको तभी पता चलेंगे। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताओ, ये अश्विनी जी ने आपको पुश किया था कि जाओ वो फिल्म और रियासा करो, यहाँ का काम खत्म हो गया, अब तुम वहां चले जाओ, मतलब वो काम पे काम दिए जा रहे हैं आपको, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मुझे डायरेक्ट तो पुश नहीं मिला, लेकिन जब मेरी कास्टिंग हुई तो मुझे लगा शायद इनडायरेक्टली मेरी रिकमेंड किया हो कि यार इसको जरा देख लेना ऑडिशन में। तो लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और नितेश जी से मुलाकात हुई और उनसे जब बात हुई तो मुझे पता चला कि उन्हें यह नहीं पता था कि मैं फाड़ू कर रहा हूँ। एंड आई वॉज, हाँ, मुझे पहले खुशी हो रही थी कि यार, मतलब होता है कि किसी बंदे ने आपको रिकमेंड किया है, जिसने आपके साथ काम किया तो आपको अच्छा लगता है, बड़ी बात है। लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने रिकमेंड नहीं किया तो मुझे अलग तरह की दूसरी खुशी हुई। हाँ. यार ये भी काम है जो अलग है और जो मैंने हाँ. बिना रिकमेंडेशन के लिया है. सो आई वाज हैप्पी. ये किस्मत है मेरी कि मैं भी तिवारी परिवार में हूँ. मेरे पहले जो दोनों काम है, वेब सीरीज और फिल्म, दोनों अश्विनी जी और नितेश जी के थ्रू मुझे लॉन्च किया गया है और ये बहुत बेहतरीन चीज है यार. मतलब मैंने लगता है किसी एक्टर के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो सकती है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सपना पूरा हो गया एक तरह से. हाय हाय, चलिए अभी तो बहुत नए सपने देखो, अभी तो बहुत बड़े सपने पूरे होना बाकी है, तो शुरुआत हुई है एक्टिंग वाले में. जी बिल्कुल. चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट, लवली कनेक्टिंग विद यू. और अभी और बहुत सारी जगह मुझे आपको देखने की इच्छा है. लिखते भी रहिए और एक्टिंग भी करते रहिए. शुक्रिया. थैंक यू रूना, थैंक यू वेरी मच.